जी में जो नाले गिर रहे हैं वो सब ट्रीटमेंट होकर के बेहतर थोड़ा पानी साफ करके तभी डाला जाए, क्योंकि ऐसे ही प्रदूषण नहीं फैलाना है। कुंभ मेले में पॉलीथिन मुक्त हो अच्छे बेहतर ढंग से, और श्रद्धालुओं के लिए जैसे पिछली बार पार्किंग काफी दूर थी तो कई कई किलोमीटरों से आना पड़ता था तो काफी दिक्कतें होती थी, तो अब की बात थोड़ा उसको नजदीक किया जगह ज्यादा चाहिए जैसे कि हाँ अखाड़ों ने अपनी डिमांड रखी है कि भाई आगे आगे जैसे समय बढ़ रहा है तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। पूर्ण कुंभ मेला इसमें अन्य जैसे अर्ध कुंभ से ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु भी आएंगे और सब आते हैं, तो जमीन अगर थोड़ा 20-25% बढ़ के मिलती है। स्वयंभू जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, इनको रोकने के लिए क्या महात्मा को कोई इस तरह की तरफ से पहल की जाएगी? हमारी तरफ से पूरी जो हमारे अखाड़ों के जो संबंधित महात्मा है या जो मठों से संबंधित है, जो गुरु परंपराओं से संबंधित जो भी महात्मा है, उन सब अगर उनसे कोई भी उनमें से कोई अगर कुछ ऐसा करता है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई पहले भी की है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो समाज के अंदर स्वयंभू टाइप के जिनकी कोई गुरु परंपराएं नहीं है, अखाड़ों से और मठों से संबंधित नहीं है वो, और वो कुछ ऐसा ही ढोंग और बहुरूपियापना बना करके समाज को शोषित और भोली भाली जनता को जो वो करते हैं, दोहन करते हैं उनका, तो उनके प्रति हमने गवर्नमेंट को भी यही वो करते हैं कि भाई आपके पास एलआईयू विभाग से लेके खुफिया भी तंत्र है, आप अपने स्तर पर उसकी जांच कराएं और उनको वहीं दबा जाए। नारायण सागर हरि जी का सदस्य समर्थक लोग आते हैं वो आते हैं तो उनको घुसने दिया जाएगा? उनके समर्थक क्या है, समर्थक का मतलब है कि कोई भी खुद आते क्या उनको? कुंभ मेले में संपूर्ण सनातन धर्मियों के लिए जो भी सनातन धर्म वाले हैं हमारे कोई भी हैं सब है तो सबको, वो तो कुंभ है वहाँ तो सबका मिलन है। स्वयं भू अपने आप को कहते हैं बोलते हैं फर्जी बाबा के टेढ़े मुंह के, तो उनको सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इतनी बड़ी घटना अखाड़ों की तरफ से कोई कदम नहीं होता ऐसे लोगों को रोकने के लिए? ये प्रधान तो होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि सारी पावर रोकने की डंडे की या कोई भी पावर है वो रहती है गवर्नमेंट के पास। साधु संत अपनी वाणी के द्वारा ही अपना वो कर सकते हैं और जितना हमसे संभव होगा हम ऐसे लोगों के प्रति हमेशा उनका विरोध करते हैं। कावन मार्ग पर दुकान अच्छी बात है, हमें जानकारी होना परम आवश्यक है क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी लोग हैं और हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, तो अगर सबका नाम लिखा जाता है तो हमें आपसे एक दूसरे से परिचय भी होता है, जानकारी भी होती है और पूर्ण निष्ठा भाव से हमें प्रतीत भी होता है कि शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति कहाँ है और क्या है, ये होना परम आवश्यक है। उल्लंघन नहीं नहीं, नहीं 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 इसमें क्या प्राइवेसी है भाई, आप ये बताइए अगर हम साधु हैं तो साधु कहने में हमें कहाँ प्राइवेसी है, हम साधु हैं तो साधु कहेंगे। महाकुंभ में जो फर्जी लोग आ सकते हैं जिनकी बात की जा रही है, नहीं नहीं उसमें उस पर भी कोई चर्चा उसमें कोई चर्चा नहीं हुई है और आज केवल आगामी सुगम भव्य दिव्य कुंभ की चर्चा हुई है, तो उसी विषय में ऐसे लोग महाकुंभ में आते हैं तो उसके लिए कोई अखाड़ा नहीं नहीं आगामी चर्चाओं में होगा। मैं अग्नि अखाड़ा श्री पंच अग्नि अखाड़े से राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी आपके मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूं कि भागदौड़ में ना पड़े, अपने भगवान अपने इष्ट अपने देवताओं को मानकर।